उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर सोसाइटी की लिफ्ट के अंदर कुत्ते को ले जाने को लेकर विवाद सामने आया है। दरअसल कुत्ते की मालकिन और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के बीच कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। दरअसल ये पूरी घटना नोएडा के सेक्टर 108 की एक सोसाइटी की है, जहां पर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरपी गुप्ता ने महिला को जब कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने से रोका तो महिला ने इसका विरोध किया। इस दौरान जब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर किसी को फोन लगा रहे होते हैं तब गुस्से में आकर महिला अधिकारी का फोन जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद गुस्से में आए अधिकारी ने महिला के गालों पर थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिए और इसी बीच महिला का पति आ जाता है और वो आईएएस ऑफिसर के साथ मारपीट शुरू कर देता है। वहीं ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। आपको बता दें कि इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। बताया ये जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी में समझौता हो गया है। वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।